जैसे कि दोस्तों आप लोगों को आइडिया है कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारा एक जो बर्ड था येलो वाला, वो पता नहीं किधर चला गया। और मैंने अपने घर वालों से पूछा भी, उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जिससे बर्ड उड़ जाए। तो जहाँ तक मुझे आई थिंक सो कि मुझे पता लगता है कि ये इसी जगह से गया, ये परिंदे ने खुद ही ऊपर किया इस जगह को और यहाँ से उड़ के चला गया। और अब इससे पहले कि ये उड़े, तो अभी हम इस पर लगाते हैं तार, इस जगह पर तार लगाते हैं और लव बर्ड्स वाली जगह पर भी तार लगाते हैं। और जी मैंने कल अपने लव बर्ड्स को देखा, वो क्या करते हैं जी, वो भी सेम यही तरीका आजमाते हैं जी। ये ऊपर करते हैं, वो दोबारा नीचे आ जाता है। अगर वो किसी जगह अड़ गया और जगह खुली रह गई, वो भी उड़ जाएंगे। तो ये काम बहुत गलत है जी। अगर हम अपने बर्ड्स लेकर आए और ऐसे ही उड़ते रहे, तो ये तो नुकसान ही है हमारे लिए। तो इसलिए अभी हम इनको करते हैं, सारों को इस जगह से बंद करते हैं, जहाँ पर खाने वाली जगह वहाँ से इनको खाना डाला करेंगे। और जी इतना इनको खोला नहीं करेंगे। और जी यहाँ रही हमारी बात जी, हमने अपने सारे बर्ड्स को जी खाना खुना डाल दिया और ये हमारा कोको आज बाहर फिर है जी। ये खाना जी बहुत ज़्यादा गिरा देते थे, ये देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया ईंट, ताकि इसके अंदर से खाएं, ताकि ये गिरा ना सके। कल भी आपने देखा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा खाना गिराते हैं। तो ये माशाल्लाह से इन्होंने सब कुछ खा पी लिया। और इधर अंडा आया है या नहीं है देख लेते हैं जी। मुझे तो नहीं लग रहा कि अंडा आया कि आज, चलो यहाँ से दाना चुग लो। आज अंडा नहीं आया अभी तक, ठीक है जी। अंडा नहीं आया तो ये दरवाज़ा कर देते हैं बंद अभी। और ये हमारा शेरू, शेरू शेरू आना है बाहर, आपने शेरू बाहर आना है। कल तो आप ऊपर छत पर जा नहीं रहे थे, इधर देखो क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। और जो हमारा कोको है ना, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया यार, वो हमारे हाथ भी नहीं आता और ना हमारे पास आता है। सुबह इसको भी हमने खाना खुना खिला दिया था, इस बेचारे को भी। कहाँ जा रहे हो आप भागकर, मेरे पास आओगे, पास आओगे मेरे। ये पकड़ लिया, हाँ जी ये हमने पकड़ लिया अपना कोको। ये ले जी, वो आज हम तो सलाम दुआ की नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पेट्स लव विद अहमद। और कोको इनको बता दो कि सब्सक्राइब कर दें, कह दो इनको को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नहीं कर रही है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं वीडियोस, ना कुछ और कर रहे हैं। इनको बता दो, अब ये हमारा कोको अब आप लोगों से बात करेगा। पेट्स लव विद अहमद को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये जी हमने हमारे कोको ने जो भी किया ना, फटाफट से वो पहले कर लें। हम छोड़ देते अपने कोको को यहाँ पर, चल जा कोको शाबाश। और हमारे कोको जी खाना इधर पड़ा हुआ है, ये कोको जब इधर आएगा और आराम सुकून से खाए पिएगा जी, और सब कुछ करेगा। और खाना खुला पड़ा हुआ है यहाँ पे, जितना मर्जी खाना चाहता है खा ले। और जी बेचारा थक हार के जी बैठ जाता है। हम आपका दुख समझ सकते हैं कोको, इंशाल्लाह आपके लिए हम लेकर आएंगे फीमेल इंशाल्लाह, ठीक है, नाराज़ ना हुआ करो मेरे से। और जी चलिए हम अपने लव बर्ड्स को बाहर निकालते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यार हमारे जो लव बर्ड्स हैं ना, उनके जो केज में ना कुछ नहीं है। तो आज मैं इनका लेकर आ चुका हूँ कुछ, आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए जी मैंने ये रख दिया इनका कुछ, ये कुछ रहा जी। और ये कुछ हम अपने लव बर्ड्स के जी केज में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो अंडे देने वाले हैं, तो वो ये कुछ रखेंगे तो तब अंडे देंगे ना, ऐसे वाइज ऐसे थोड़ी अंडे दे देंगे। तो नेस्टिंग मटेरियल भी हम इसके अंदर रखेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि होप्स हो के वो अंडे देंगे। और जी मैंने लव बर्ड्स रखे हुए हैं अंदर इस जगह पर, तो पहले हम रख लेते हैं कुजा। और मैं आपको बता रहा था कि ये जो लव बर्ड्स है ना, ये अपनी चोंच से करते हैं ऊपर इसको, ठीक है जी, जिससे खतरा है कि ये उड़ भी सकते हैं। तो चलिए इनका जी हम दरवाज़ा खोलते हैं और कुजा रखते हैं अंदर, ये उड़ ना जाए बस। ये रहा जी इनका कुछ इसके अंदर, और ये दरवाज़ा हम कर देते हैं बंद। और ये वाली जगह भी इसको करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं तार, ताकि ये ना उड़ सकें। और लव बर्ड्स को हम ले जाते हैं बाहर अपनी जगह पर, और कुछ हमने रख दिया इस जगह पर। और ये ले आए हम लव बर्ड्स को बाहर, अब इधर धूप में रखेंगे हम इसको। और कुछ ले आया, कुछ को ऊपर कवर भी कर देंगे। और जी हम लेकर आएंगे इसके अंदर नेस्टिंग मटीरियल रख देंगे, अगर तो इन्होंने जी इसके अंदर बच्चे देने हुए तो दे देंगे। ये देख सकते हैं जी, ये मैं छोटी छोटी सी वायर ले आया हूँ, और जी ये अब वायर हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नहीं, अब जाएंगे इंशाल्लाह।
ये मैंने पक्का वाला काम कर दिया जी, तार लग गई है, अब ये यहाँ से नहीं उठेगा। ये देखें जी, अब यहाँ से नहीं उठेगा। बाहर जाते हैं, जाके नेस्टिंग मटेरियल देखते हैं, अगर तो कोई पड़ा हुआ नेस्टिंग मटेरियल तो वो अब हम लेकर आते हैं। ये देखें जी, मैं इधर आया हूँ तो ये सारा नेस्टिंग मटेरियल है। इस तरह से ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा उठा लेते हैं, अगर तो इन्होंने अपने कुज्जे में ये लेकर गए तो हम और रख लेंगे, ठीक है ना। अभी हम थोड़े से गुजारा कर लेते हैं, इतना भी काफ़ी है इधर के लिए। और जी अब मौसम आप देख सकते हैं, मौसम आज थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मौसम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। जिस तरह पहले मौसम में ठंडक थी वो अब उस तरह वाली नहीं रही, क्योंकि कल रात को भी आपने देखा होगा कि हो रही थी यहाँ पर बारिश, तो मैंने कल जब वीडियो बनाई यार, अब तो मैं दरवाज़ा खोलने नहीं लगा क्योंकि इस जगह पे, तो मैं सोच रहा हूँ नेस्टिंग मटेरियल यहाँ से बीच में से डाल देते हैं अंदर करके, चला जाएगा ऑटोमेटिकली अंदर। देखें जी चला गया अंदर, अगर तो इन्होंने कुजा वगैरह अपने बच्चे देने हुए तो ये काफ़ी इनफ है इस चीज़ के लिए। और ये सारे काम हमारे फिनिश हो गए। और जी इसकी अब रहती है सफाई करनी, इसकी भी सफाई सुथराई करके, और ये तो हमने चेंज करनी है, ये भी सफाई सुथराई कर लेते हैं। और ये जो हमारा शेडू है, आपको मैं दिखाता हूँ आज के इनकी हरकतें, कल नहीं ना आ रहे थे ये ऊपर, किस तरह मैं इनको मुश्किल से लेकर गया हूँ। अभी मैं इनका पकड़ूंगा एक खाना, वो जैसे ही खटकाऊँगा तो आप देखिएगा कैसे भागते हुए आएंगे, ये देखिएगा ज़रा भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी हमारी कैट्स का फूड, नॉर्वे के नाम से है जी। ये अब देखिए, कल चॉकलेट देख के नहीं आते और इन्होंने मुझे इतना तंग किया था, आप देख सकते हैं। तो अभी ये मैं जैसे खटकाऊँगा, अभी नहीं मैं खटका सकता, जैसे खटकाऊँगा ये बाहर आ जाएंगे। और ये देखिएगा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, देखिएगा ये कैसे भागते हुए आएंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये कैसे खाने के पीछे पीछे आए हैं और खाने के कितने ज़्यादा भूखे हैं। तो अब मैं इनको खाना नहीं डालूंगा क्योंकि इन्होंने कल मेरी बात नहीं मानी थी, अब इनको बस थोड़ा सा मैंने डाला। तो चलो देख, तू किधर से भागता हुआ आ गया, तू किधर से भागता हुआ आ गया, इनको मिल गया बच्चे, इन तीनों ने खा लिया थोड़ा थोड़ा, तू पीछे रह गए, लेट हो गया आप, ठीक है आप उधर जाओ शाबाश, जो इधर गए हुए थे ना आप, शाबाश उधर जाओ आप, अब आपको नहीं मिलना जी। आज हमने ये सारा काम कर लिया और सारा काम फिनिश हो गया, और अब आपने मुझे बताना है कि लव बर्ड्स का क्या सीन पार्ट है जी, और ये किस तरह बनने देंगे, और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो काइंडली बताइएगा, और मुझे किस तरह इनको रखना चाहिए। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो यार लाइक एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें पेट्स लव विद अहमद को। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अब दे आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।